बढ़ती महंगाई और अपराध, गन्ना बकाया भुगतान जैसी समस्याओं को लेकर राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल। सैकड़ों की तादाद में राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता भैंसा बुग्गी लेकर और पैदल चलकर रोड पर कर रहे विरोध प्रदर्शन। आरएलडी कार्यकर्ताओं ने की सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। खुर्जा और शिकारपुर समेत बुलंदशहर की सभी तहसीलों पर किया गया विरोध प्रदर्शन। आरएलडी कार्यकर्ताओं के धरना प्रदर्शन को देखते हुए आसपास की गई भारी पुलिस फोर्स तैनात। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील और खुर्जा तहसील का मामला। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी खून से चिट्ठी। मछुआ जाति को आरक्षण की मांग को लेकर सीएम योगी को लिखी गई चिट्ठी। खून से लिखी चिट्ठी में लिखा स्लोगन, आरक्षण दो या मौत। बुलंदशहर के कालाम चौराहे के पास एक स्कूल में जमा हुए थे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता। स्कूल में लिखा गया खून से खत। इस्पात की चादरों से लदे ट्रक लूट का बुलंदशहर पुलिस ने किया खुलासा, सात लुटेरे गिरफ्तार। कोतवाली देहात के मंडी चौकी क्षेत्र में 20 अगस्त की रात को सेंट्रो कार सवार बदमाशों ने चालक परिचालक को बंधक बनाकर लूटा था ट्रक। स्वाट और मंडी चौकी पुलिस ने सात लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटा गया ट्रक और इस्पात की चादरें भी बरामद की। गिरफ्तार सातों लुटेरों का भारी भरकम आपराधिक रिकॉर्ड, जनपद और गैर जनपदों के थानों में दर्ज हैं कई मामले। स्वाट और मंडी चौकी पुलिस ने अनूपशहर रोड से किया लुटेरों को गिरफ्तार। लुटेरों के कब्जे से चार तमंचे और कारतूस भी बरामद। खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक लगी भयंकर आग। आग इतनी तेज थी कि लगभग 10 मिनट तक रोड पर आने जाने वाले लोगों की आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के लल्ला बाबू रोड चौराहे के पास खड़ी फोर सेल की गाड़ी में लगी अचानक भयंकर आग। अवैध शराब और माफियाओं पर लगाम लगाने के लिए खुर्जा पहुंचे बुलंदशहर डीएम रविंद्र कुमार और एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने की बैठक। जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना देने के लिए चौकीदार और बीट कांस्टेबल को दिए निर्देश। अवैध और जहरीली शराब बेचने वाले माफियाओं पर सख्त कार्रवाई करने के लिए पुलिस को दिए गए निर्देश। क्षेत्र के सभी चौकीदार, बीट कांस्टेबल और आबकारी विभाग समेत खुर्जा तहसील क्षेत्र के थानों की पुलिस के साथ की गई बैठक। खुर्जा के जंक्शन रोड स्थित सरस्वती इंटर कॉलेज में आयोजित की गई बैठक। सरकारी हैंडपंप ठीक करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से मजदूर की मौत का मामला। लंबे संघर्ष के बाद बिजली विभाग ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के तौर पर अर्पित किया 5 लाख रुपए का चेक। खुर्जा तहसील के गांव भादवा के बरात घर के निकट सरकारी हैंडपंप ठीक करने के दौरान बिजली की चपेट में आने से मजदूर की हुई थी मौत। गाँव भादवा का निवासी था मृतक मजदूर। परिवार को मदद दिलाने के लिए कुछ समय पहले भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने भी दिया था धरना। बिजली विभाग ने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया कराने का आश्वासन देकर कराया था धरना समाप्त। आज परिवार को 5 लाख के चेक के तौर पर मिली आर्थिक सहायता। परिवार ने बिजली विभाग का किया आभार व्यक्त। जन्माष्टमी के मौके पर श्रम विभाग की टीम ने की छापेमारी, दुकानों पर काम करते पाए गए नाबालिग बच्चे। श्रम विभाग अधिकारी बीएन ओझा ने बताया शहर में अलग अलग की गई छापेमारी में अब तक 5 चाइल्ड लेबर के केस सामने आए। श्रम अधिकारी के अनुसार नाबालिग बच्चों से काम करवाने वाले दुकानदारों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जन्माष्टमी के अवसर पर खुर्जानगर में अलग अलग दुकानों पर श्रम विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई। औरंगाबाद पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार कर किया लूट व चोरी की घटना का खुलासा। पकड़े गए शातिरों के कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 2 कारतूस, 2 चाकू, 10,000 रुपये की नकदी, 1 मोबाइल और 1 बाइक भी की गई बरामद। शातिरों ने बीती 25 जून को थाना औरंगाबाद में चोरी और 29 जून में लूट की घटना को दिया था अंजाम। मड़का मंदिर के पास नहर के पुलिया के निकट से गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी। शातिरों पर पहले भी कई आपराधिक मामले बताए जा रहे दर्ज। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों को भेजा जेल। बुलंदशहर की औरंगाबाद पुलिस को मिली सफलता। कोविड संक्रमण की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों में जुटा शासन प्रशासन। खुर्जा में बन रहा 100 बेड का अस्थाई पोर्टेबल कोविड अस्पताल डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। पोर्टेबल कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर, वाईपेप, ऑक्सीजन, शौचालय आदि सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध। शासन से अस्पताल के लिए स्वीकृत हुई 43.8 लाख की धनराशि। आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा पोर्टेबल अस्पताल। डीएम रविंद्र कुमार के प्रयास और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन नई दिल्ली की सहायता से खुर्जा के सूरजमल जटिया अस्पताल में 100 बेड का स्थायी पोर्टेबल कोविड अस्पताल का कराया जा रहा निर्माण। निरीक्षण के दौरान
उपजिलाधिकारी खुर्जा लवि त्रिपाठी, CMS खुर्जा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। न्यूज डेस्क, Time24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।